नमस्ते स्टूडेंट, मैं पीयूष उपाध्याय फिजिकल फिट कंप्यूटर डिवीजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी हर पार्टियाँ जब किसी कंपनी या फर्म को गुड सप्लाई करती हैं तो वो सभी पार्टियाँ यानी जिसे होलसेलर होता है या रिटेलर होता है उनको पर आइटम या राउंडेड डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तो टैली में स्टूडेंट आज हम सीखेंगे कि कैसे एक एक आइटम पे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का इनवॉइस यूज कैसे किया जाता है टैली में। तो आज हम जानेंगे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का यूज करने का सही तरीका टैली में क्या होता है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस यानी सेपरेट डिस्काउंट कॉलम क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे। सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इज द कॉलम इन विच वी डिटरमाइन द डिस्काउंट वैल्यू फॉर परचेज एंड सेल्स। इसका डेफिनेशन हिंदी में स्टूडेंट, अलग डिस्काउंट कॉलम वह कॉलम है जिसमें हम खरीद या बिक्री के लिए जो छूट मूल्य पर निर्धारित करते हैं उसे हम सेपरेट डिस्काउंट कॉलम कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसको टैली में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो स्टूडेंट आपके सामने इस टैली में एक नई कंपनी हम लोग क्रिएट करेंगे सबसे पहले, एंड कंपनी का नाम मैंने वही डाल दिया डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट कॉलम एंड इसको सेव कर लीजिएगा स्टूडेंट। ये आपका सेम डिस्काउंट कॉलम नाम से कंपनी आपकी तैयार हो गई है। कंपनी को बनाने के बाद सीधे वापस हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में आपने देखा होगा यहाँ पे आपको सीधे F2 यानी इन्वेंट्री फीचर्स में आपको जाना है स्टूडेंट। तो हम लोग टैली पे वापस चलते हैं और टैली में F11 करके एंड F2 यानी इन्वेंट्री फीचर आपका F2 है, वहाँ पे स्टूडेंट हमें फॉलो करना है मेंटेन सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। यानी आपने देखा होगा कि इनवॉइसिंग के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे, यहाँ देखिए जहाँ पे हमारा माउस है, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस, इसको यस करिएगा। यस करने के बाद डेटा को आप सेव करा लीजिएगा। सेव करने के बाद स्केप करते हुए आप गेटवे ऑफ टैली पे आएगा और अकाउंटिंग बाउचर में चले जाएगा, यहाँ पे इंटर करेगा। वापस हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आपने देखा होगा स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ, फॉर एग्जांपल एंड गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर फॉलोइंग आइटम 2% डिस्काउंट। यानी सभी आइटम पे 2% डिस्काउंट परचेज करते इसमें आपको देना है, यानी पर आइटम, यानी पर आइटम 2% डिस्काउंट। यानी पहला आइटम है सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100, आपने देखा तो ये एक पीस का दाम है 5,400 रुपये। एम सैमसंग कलर टीवी K25 100 पीस लेना है जिसका एक पीस का दाम है 11,500 रुपये। एंड ये 20 तारीख को आपको 2 सेल ऑल आइटम प्रभात इलेक्ट्रॉनिक विथ 2,000 प्रॉफिट पर आइटम आपको सोल्ड करना है। तो परचेज करते हैं डिस्काउंट कैसे करना है, तो चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग टैली पे आ जाते हैं। टैली पे एक नई कंपनी जैसे आपको बताया गया था यहाँ पर कंपनी बना लीजिए एंड अल्ट्रा सी क्रिएट कर लीजिएगा जैसे शॉर्टकट पहले बताया गया था। क्वेश्चन को हमेशा आप अपना स्क्रीन पे फॉलो करते चलेंगे, इससे आपको सारा कुछ क्लियरिंग होता रहे। तो यहाँ पे हमें गुड्स यानी खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का एक लेजर बनाना है। तो स्टूडेंट वापस अब आते हैं टैली पे, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का एक लेजर जनरेट कर लीजिए, खन्ना ये सन्नी क्रिएटर्स में इसको फॉलो कर लीजिए एंड सेव करा लीजिए। नाम पता एड्रेस आप जानते हैं, इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद स्टूडेंट एंड एक क्या आइटम बनाना अल्ट्रा सी से, क्या आइटम हमें परचेज करना है। तो आइटम जो परचेज करना है वो आपका है सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम वापस टैली में आते हैं, लिखते हैं सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100, ये डाल दिया इंटर एंड अल्ट्रा सी से यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा पीसेस एंड सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट, इंटर सेव। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कितना पीस मुझे परचेज करना है, यानी स्टूडेंट हमें जो क्वांटिटी है वो 100 पीस है। तो यहाँ पे हम लोग 100 पीस वापस लेते हैं, 100 पीस एंटर। अब देखिए एक पीस का दाम ये पूछ रहा है, एक पीस का दाम स्टूडेंट कितना पड़ा हुआ है 5,400 रुपये। तो यहाँ पे हम टैली पे 5,400 रुपये 400 डाल दिया, टोटल वैल्यू आ गया 5,40,000 रुपये का बिल बन रहा है। इस पर मुझे 2% की छूट चाहिए, यानी हमें 2% छूट मिलेगा जैसे क्वेश्चन दिया गया है, पर आइटम यानी पर आइटम 2% डिस्काउंट है। यहाँ पे हम टैली पे 2% डाल देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ 5,40,000 में से 2% लेस कर देगा ये। देखिए अब आपका जो बिल बन गया है वो 5,29,200 का बिल बन गया स्टूडेंट, इंटर करिएगा।
परचेज का एक लेजर बना लीजिए, परचेज एंड परचेज का हेड परचेज डाल लीजिएगा, उसको सेव करा लीजिए स्टूडेंट, एंटर। दूसरा आइटम क्या है उसको भी बना लिया जाए, एंड सैमसंग कलर टीवी मॉडल नंबर K25 है, यहाँ पे हम सैमसंग कलर टीवी K25 डाल दिया स्टूडेंट, एंड पीसेस ले लिया, सेव करा लीजिए यहाँ पे, एंड इसको भी 100 पीस लेना है, एंड एक पीस का दाम स्टूडेंट किसका है 11,500 रुपये का है, तो यहाँ पे मैंने 11,500 रुपये डाल दिया, और 11,500 पर 2% डिस्काउंट है, यानी यह टोटल आपने लिखा है, तो अभी 2% मैंने यहाँ पे डाला है, दो डाला है, तो यहाँ पे 11,50,000 का पड़ रहा है, जैसे 2% यहाँ पे डाल सेव कर लेता है तो ये 11,50,000 में से 2% लेस कर देगा। देखिए स्टूडेंट लेस करने के बाद कितना आ रहा है, 11,27,000 रुपये आ रहा है, यानी टोटल बिल आपका ये परचेजिंग में बन गया, ये सेव करा लिए स्टूडेंट। तो ऐसे आप सेपरेट कॉलम डिस्काउंट का इस्तेमाल सेल एंड परचेज के साथ कर सकते हैं स्टूडेंट। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि सेपरेट कॉलम डिस्काउंट का यूज टैली में यूज करने का सही तरीका क्या है, इसको कैसे यूज करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर कीजिए, जिन्हें अकाउंट सेक्शन में काम कर रहे हैं, जो अकाउंट सेक्शन में काम करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।